और डब्बे या बाल्टियां पानी से भर जाते थे। राड ऊपर आता था, पानी बाहर निकाल देते थे, दोबारा अंदर जाता था, दोबारा पानी भर के आता था, दोबारा निकाल देता था। इस तरीके से पानी भर के लाना और बाहर लाकर पानी उलेट देना, किसी टैंकी में भर देना, ये उसका राड का कार्य। इसी तरह ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार देवताओं के कर्मों में बंधा हुआ है, क्योंकि बताया था ये जो संसारी सुख है, जैसे गणशी ब्राह्मण ने बहुरानी के हाथ से दही चौल खाऊं ये मांगा, संसार सब चीजें मांग ली, भगवान ने कहा ये तो आपके कर्मों के अनुसार मिलने वाला है, कुछ और मांगो। इसलिए कर्मों के अनुसार मिलता है, कर्मों के अनुसार ये जीवात्मा स्वर्ग नर्क कर्म भूमि और मोक्ष चारों कर्म भवनों में घूमता रहता है, इसके लिए ये राट घड़ी का दृष्टांत दिया है। हर जीवात्मा के अंदर जीवात्मा के साथ साथ सबसे बड़ी देवता जो माया है, उसका अंश जिसे संलग्न कहते हैं वो लगा हुआ है। जीव तो अंधा है, इस जीव को पिछले कर्मों का कोई ज्ञान नहीं, परंतु इसका साथी जो संलग्न बैठा है अंदर, वो माया देवता का अंश होने के कारण, सामर्थ्य संपन्न होने के कारण, उसे जीवात्मा के कई जन्मों के कर्म चक्रों का ज्ञान है। किसका लेन देन है, सुख दुख किससे भुगतना है, इसकी पूरी कर्म मालिका, पूरे कर्म के चैनल का, पूरी चेन का ज्ञान है। उस कर्मों के ज्ञान के अनुसार वो संलग्न इसे प्रेरणा करता है और ये जीवात्मा कर्म करते चला जाता है। अच्छा कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग में चला जाता है, पाप कर्म करेगा तो नरक में जाता है, और कुछ कर्मों के अनुसार मोक्ष में भी जाता है। मोक्ष कौन सा, यह मोक्ष ईश्वर प्राप्ति नामक मोक्ष इस दृष्टांत में, इस वचन में नहीं होता है, मोक्ष अलग है। कर्म में अष्टदेवजनी, अंतराल, स्वर्ग, इन देवताओं की प्राप्ति को स्वर्ग कहा गया है, और ब्रह्मा विष्णु महादेव शेष नारायण अष्टभैरव विश्व और माया, इन देवताओं की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है, और कुछ सत्कर्मों के अनुसार एक कर्म भूमि में भी आता है और दोबारा मनुष्य देवी धारण करना पड़ता है। कहने का मतलब ये जीवात्मा अपने कर्म बंधनों के अनुसार कर्म भूमि में, भोग भूमि में, स्वर्ग में और ब्रह्मा विष्णु महादेव शेष नारायण अष्टभैरव विश्व माया, इन देवताओं के फलों में घूमता रहता है, इसलिए ये राट घड़ी का दृष्टांत बताया है। ये तो संसारी सुख जो है और संसारी दुख भी, ये तो कर्मों के अनुसार मिलने वाले हैं। मांगना है कुछ, ईश्वर से प्रेम मांग लो, राट घड़ी के न्याय से कर्म मालिका जीवों को बंधन में डाल देती है और बंधन अनुसार उनसे ये कर्म और कर्म फल भुगवा भी लेती है। ये दृष्टांत महाराज ने कैलाशी में ब्राह्मण के प्रति बताया तथा देशी अंजनी नामक गांव में बताया। अब कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है, इसलिए अगला दृष्टांत है माले का राज, मचान पर बैठे हुए व्यक्ति का। कर्मों के अनुसार
मिलावा सुख दुख, कर्म के अनुसार मिला हुआ केवल दुख, कर्म के अनुसार मिले हुए नर्क, कर्म के अनुसार मिली हुई पीड़ा, बीमारी, रोग, व्याधि, इसको देखकर जिसको कर्म की जानकारी है उसे तरस भी नहीं आता। इसलिए मचान पर बैठे हुए व्यक्ति का दृष्टांत दिया गया। क्या हुआ, एक मदन मस्त सांड था जिससे डर भी लगता है। वो सांड खेत में जाकर सारी फसल खा जाता था, लोगों की फसल का नुकसान भी हो रहा है, पर लोग डर के मारे दूर भी भाग रहे हैं। तो भी सब लोगों ने हिम्मत करके उस सांड के चारों पैर बांध दिए चमड़े की तार से। वो हिलजुल न सके। फिर कुछ दिनों बाद तरस भी आया, हिलजुल नहीं पा रहा, पानी पीना भी चाह रहा, जा नहीं पा रहा। फिर भगवान से पूछा क्या स्वामी श्री चक्रधर जी से, स्वामी श्री चक्रधर डोमे ग्राम में यमलार्जन नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर उपदेश कर रहे थे, भगवान इसके पैर बांध रखे हैं छोड़ दे। भगवान कहते हैं वो छोड़ने भी नहीं देगा, छोड़ने जाओगे अच्छी तरह से लात मारेगा। जीवात्मा की कर्म है, उसको देखकर आपको तरस मत आना। उसने जो कर्म किया है उसका ज्ञान हमें है या भुगवाने वाली देवताओं में है। याद रखना, ईश्वर किसी को दुख भुगवाते नहीं। ईश्वर के आज्ञा के अनुसार सृष्टि का नियम बन चुका है, जीवों ने कर्म करने हैं और देवताओं ने कर्मों का भुगतान करना है। सूत्र पाठ में वचन है, जीव अर्जक देवता फलदाती। तो देवता अपने काम कर रही है, अपनी ड्यूटी निभा रही है, भुगवा रही है वो, उसे पता है क्या किया है। आपको तरस मत आ जाता। इसके लिए दृष्टांत दिया है मचान पर बैठे हुए व्यक्ति का। एक व्यक्ति चौकीदार समझ लो, मचान पर बिठाया आपने, आपके खेत में फसल आ चुकी है। फसल कोई चोर चोरी का बिंदा दे जाए, इसलिए ऊंची मचान बनाकर लकड़ी की उस पर बिठा दिया गया। ऊपर से ख्याल रखता है दूर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उस खेत के साथ एक नाला है, नाले में कुछ चोर छिपते हैं रात को दिन को भी। रास्ते में आने जाने राहगीर, ब्राह्मण जा रहा है, कोई सन्यासी जा रहा है, सतपुरुष जा रहे हैं, कोई शादी की बारात जा रही है, वरद जा रहे हैं, वो सबको लूटते हैं, लूट मार करते हैं। वो खेत की फसल रक्षा करने वाला ये भी देख रहा है परंतु चुप है। मैं क्या करूं, मेरी सत्ता है, मैं कौन मना करने वाला, चोर कर मुझे मारे, चुप है। करते करते कर क्या हुआ, वो चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। राजा ने आदेश दिया इस चोर को मौत की सजा, वो भी कैसी, सीधी फांसी नहीं, तगड़े जवान बैल आगे रखो और इसको बैलों के साथ बांध दो। बैल तेजी से दौड़ेंगे, ये पीछे घिसटते घिसटते आ जाएगा, अपने आप मर जाए। इतनी बड़ी सजा दे दी, सजा शुरू हुई। अब जानते हैं जब सजा शुरू होती है ना तो देखने वाले तमाशबीन हजारों इकट्ठे हो जाते हैं। जब किसी को इनाम मिलना हो ना तो सिर्फ रिश्तेदार ही जाते हैं, सजा मिलनी हो तो बिना बुलाए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। ये मचान पर बैठा व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा, देखा। अब ये जो चोर पकड़ गया ना, दिखने में भी बड़ा सुंदर था, दिखने में गोरा था, अच्छा था, सुंदर था, ऐसा लगता था किसी रानी का पुत्र है।
लोग क्या लगे इतना जवान है, अब इस उम्र ही क्या है, इतना अच्छा लग रहा है, बड़ा गोरा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, इसको इतनी बड़ी सजा क्यों दे, तो छोटी मोटी सजा दे देते, इतनी मौत की सजा इसे क्यों दे दी। राजा से पूछा गया, राजा ने मचान वाले व्यक्ति को भी बुलाया। मचान वाले व्यक्ति ने कहा भाई ये जो कर्म करता रहा ना आपको नहीं पता, ये तो मुझे पता है, मैं रोज देखता था, इसने किसी को नहीं छोड़ा, जवान हो बूढ़ा हो ब्राह्मण हो सन्यासी हो बर्बद हो बरात हो सबकी लूट मार इसने की, ये जितना पापी है इसके एक अंग काटकर इसके ब्लड से इसके रक्त से इसके मांस से इस ग्राम देवता का पूजन करो, गांव पर सिंचन करो इसके ब्लड का तो भी कम है, इतना पापी है। इसी तरह महाराज कहते हैं जीवों के दोष जीवाओं को जीवात्माओं को खुद पता नहीं लगते, मुझे सभी दोष पता है। एक सूत्र में भगवान कहते हैं अगर मैं भाई बर्थ ही बच्चे जन्म होते ही एक दिन साथ भेज देता पिछले जन्म में इसने इतने बुरे बुरे कर्म किए हुए हैं, थोड़ा बड़ा भी पढ़ता हाँ इतने बुरे कर्म मैंने किए हैं, मैं चोर था मैं डाकू था मैं मर्डर करने वाला था, खुद चाकू लेकर सुसाइड कर लेता, इसलिए इसके दोष बताओ तो दोष बताने के लायक नहीं, इसके पास कुछ गुण भी थे अच्छे कर्म भी इसने किए थे वो भी मैं अगर अपने साथ भेज देता इसके अच्छे कर्मों की तो ये थोड़ा बड़ा पढ़ लेता घमंड आ जाता, हाँ देखो मैंने क्या क्या किया है, मैंने कितनी सेवा की है, मैंने कितने समाज के कार्य किए हुए हैं, ना तो ये अच्छी बातें बताने के लायक है ना इसकी बुरी बातें बताने के लिए लायक है, परंतु इसके बुरे कर्म मुझे पता है और देवता को भी पता है। ये दृष्टांत महाराज ने डोमे ग्राम में एक बैल के लिए भक्तवत्सल प्रार्थना की तब बताया। डोमे ग्राम में किसी भगत के घर के बाहर एक बैल बड़ा ही दुखी पड़ा हुआ है, एक तो बैल योनि सिवाय मक्खियां बैठी हुई हैं, जंतु लगे हुए हैं, खून बह रहा है, घर का दरवाजा खोलते ही वो दिखता है, तरस आ जाता है। कुछ भक्त लोग स्वामी श्री चित्र जी के पास गए बीड़ा लेकर, महाराज तो बीड़ा स्वीकार कीजिए, हमारे घर के बाहर एक बैल गिरा हुआ है बड़ा दुखी है, उसको मुक्त कर दीजिए। महाराज ने बीड़ा स्वीकार नहीं किया। महाराज ने कहा उसने पिछले जन्म में जो बुरे बुरे कर्म किए हैं वो आपको नहीं पता, आप हस्तक्षेप मत करो इंटरफियर मत करो, मुझे पता जब देवता भगवा लिया उसको आप अपने घर वापस जाओ। घर वापस आए दूसरे दिन फिर दरवाजा खोला फिर वो बैल दिख रहा है, फिर तरस आ रहे हैं, फिर दोबारा वही बताया है बीड़ा लेकर महाराज के पास, महाराज आप दयालु हो म्यालु हो कर दो माफ उसको। महाराज ने कहा कल कहा था ना आप इंटरव्यू मत करो, उसके घर मुझे पता है देवताओं को पता है, आप जाओ वापस फिर वापस कर। इस दृष्टांत में आपको दो बातें सुनने मिलेंगी, एक तो जीवों के कर्मों ज्ञान देवताओं के हैं महाराज को है, इसलिए कभी कभी ईश्वर को भी तर्स नहीं आता, जानबूझ के कर्म किए हैं कैसे तर्स आए। और दूसरी बात सुनने मिलेगी कि जिद भक्ति की हो भगवान अपना निर्णय भी वापस ले लेते हैं, वापस कर दिया पीड़ा, तीसरे दिन फिर वही भक्त वही पीड़ा वही प्रार्थना महाराज माफ कर दो उसको हमसे नहीं देखा जाता, भगवान का रोज आते हो मैं रोज आपको वापस भेजता हूँ अच्छा नहीं लगता आप इस बीड़े के बताओ। सुनते चौथे दिन
फिर वही पीड़ा, वही प्रार्थना, वही भक्ति। महाराज हम जाएं तो कहां जाएं, हमारे घर में पार नहीं देखा जाता, आपके सिवा कहां जाए, किसको भाई कहें। आखिर चौथे दिन महाराज को तरस आया, ये भक्त मैं बार बार कह रहा हूं इंटरनेट मत करो, हस्ते मत करो, तो भी ये मानते नहीं, बार बार आ रहे, चलो मान लेते हो आपकी, भगवान इस बयान को मुक्त कर दिया। तब से हमारे पंथ में एक प्रार्थना आई हुई है परंपरा में, ईश्वर नाही तेने मार्ग जोड़ावा, बसो चढ़े नया बंधन तोड़ा। ईश्वर नाही, जिसने ईश्वर की कृपा अर्जित नहीं की ना, कम से कम मार्गों की, अधिकरणों की, गुरुजनों की प्रसन्नता तो हासिल कर दे, भक्तों की प्रसन्नता हासिल कर दे, ताकि इनकी प्रसन्नता जो अर्जित की है, जब हमारे पर संकट आएगा तो ये भक्त काम आएंगे, ये गुरुजन काम आएंगे, ये हमारी प्रार्थना करेंगे। जैसे किसी बुरे कर्मों के कारण वो बैल बना था, पर पिछले जन्म में उसने कई भक्तों को, कई महात्माओं को खुश भी रखा, उसके कारण वो भक्त दौड़े महाराज के, महाराज के पास उसे छुटकारा होने के लिए। इसलिए प्रार्थना आई हुई है, अवसर जोड़, मार्ग जोड़, नहीं जोड़े तामी जोड़, अवसर जोड़, ईश्वर के अवसर जोड़, मार्ग जोड़, मार्ग प्रसन्नता जोड़ो, नहीं जोड़े तामी जोड़, ताकि प्रत के लिए प्रसन्नता, जब हमारे संकट आएगा तो काम आएंगे। परंतु इस जीवात्मा के दोष ईश्वर को पता है, देवताओं को पता है, इसलिए तस्वीर महाराज को ये देवताओं में नहीं आता, क्योंकि इसने दोष ऐसे किए हैं। ये दुष्टन महाराज ने कि कर्मों के अनुसार सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, ईश्वर को मालूम जरूर है, परंतु जान बूझ के अगर आप गलत कर्म करो तो फिर ईश्वर ईशालु भी है। हर सिक्के के दो बाजू होते हैं, दो साइड होते हैं। मां बेटे गुस्से होती है, मारती भी है, मां को बेटे दुश्मन भी होते हैं, प्रेम होता है, मारोगे गुस्से होंगे तो बच्चा सुधर जाएगा। इसलिए महाराज भी कहते हैं कि बेटा प्रेम से तो मानता नहीं, अगर इसको तो दुख मिलेगा ना, रास्ते पर आ जाएगा, बुरे कर्मों को छोड़ देगा। इस दृष्टि से कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है, इसलिए दृष्टांत भगवान ने मचान वाले व्यक्ति का बताया। अगला दृष्टांत है सुख दुख प्राप्त होना, ये समग्र जीवों के पास है, ये सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, ये सामग्री हर जीवात्मा के पास सुरक्षित है। उसके लिए दिया है उदाहरण दृष्टांत आंख का। इस दृष्टांत पाठ में 114 दृष्टांतों में आंख के दृष्टांत दो है, एक तो बड़ा सादा है, आंख दूसरों की गलतियां देखती है, अपनी गलती नहीं देखती। जो शीशा देखेगा तो अपनी गलती भी दिख पाएगी, ये एक सादा दृष्टांत आंख का। एक आंख का दृष्टांत दूसरा दिया महाराज ने, वो यही प्रस्तुत है इस प्रसंग पर। आंख के अंदर दो चीजें हैं, आंख में तेज सामग्री भी है और मेद सामग्री भी है, तेज और मेद मतलब चर्बी भी है। अगर आपकी आंख की तेजी बढ़ जाती है, तेज सामग्री बढ़ जाती है, आप बारीक से बारीक अक्षर भी पढ़ लेते हो, आप रत्न के अंदर जो चमक है वो भी देख सकते हो, और